हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि लिक्विड खाद के ऊपर। दोस्तों ये वो चीज़ है जो हम अपने किचन से वेस्ट हुई भी फेंक देते हैं, जैसे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए, सब्जियों के, खासकर सब्जियों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो ये एक फ्री की खाद है, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपने ऑरेंज का जो छिलके होते हैं मैंने ये है, ये डीकम्पोस्ट हो चुका है, पूरा 50 दिन का है। मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के अंदर डाल दिए थे, 50 दिन पुराना सारा मटीरियल, 50 दिन ही पुराना आप लगा लें, इसमें कम से कम 50 डे लगेंगे ही बनने के अंदर। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये है बनाना का जो पील होता है वो है, ये हमारा है जो प्याज के छिलके होते हैं वो है, तो ये गुड़ है और ये हमारी लस्सी है। इसको कैसे इस्तेमाल करनी है आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि सारी चीज़ें, ये जो लस्सी है 10 ml लेनी है आपने, बनाने का जो पील है ये भी 10 ml लेना है, और ऑरेंज का ये भी 10 ml लेना है, प्याज के जो छिलके हैं, सब सब्जियों के छिलके आप अलग अलग बना सकते हैं, एक साथ इकट्ठा भी बना सकते हैं अगर आपके पास बड़ी बाल्टी वगैरह हो उसके अंदर भी बना सकते हैं, ये नहीं कि अलग अलग ही बनाना है। मैं ये अलग अलग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ कभी 10-10 ml ऐसे भी डाल देता हूँ। ये जो 40 ml ये हो गया, तो 5 ml हमने गुड़ लेना है, जो कि आप देख सकते हैं ये भी मैंने एक लिक्विड तौर पर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने सौंफ वगैरह डाल दी है जैसे कि अजवाइन, ये ऑर्गेनिक तरह से बन गया है। इसका 45 ml हो जाएगा, ये मेरा एक 10 लीटर का बकेट है, 45 ml मैं 20 लीटर अंदर पानी के अंदर ऐड करता हूँ। ये 2 मग होते हैं जिसके अंदर एक बाल्टी के अंदर डाल के तो मैं इसको तैयार कर लेता हूँ, और मैं हफ्ते में एक बार इसको 20 लीटर पानी के अंदर ऐड करके दे देता हूँ, जो कि मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो मुझे कोई भी DAP NPK यूरिया कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर स्प्रे करनी है तो आपने क्या करना है कि जो लस्सी है हमारा, ये लस्सी लेनी है, इसको कपड़े से छान लेना है, इसके अंदर जैसे कि ये 10 ml लस्सी लेनी है, 5 ml 5 ग्राम उसके अंदर हल्दी डाल के एकदम अच्छे से घोल के फिर से कपड़े से छान के आप स्प्रे कर सकते हैं। जो तेला वगैरह होता है आजकल लग जाता है तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ये है दोस्तों आज की मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जानकारी लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।